गोरखपुर महानगर में मानसून मानो आम जनमानस से रूठा हुआ है। जून माह बीत जाने और जुलाई माह के अंतिम हफ्ते तक भी महानगर में मानक के अनुसार बारिश नहीं हुई है, जिससे एक तरफ जहां लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं, वहीं किसान भी अपनी फसल को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। मानसून को बुलाने के लिए किसान कभी आसमान की ओर टकटकी लगाए देखता रहता है, तो कभी आम आदमी इंद्रदेव को मनाने के लिए अलग अलग तरकीबों को आजमा रहा है। महानगर में अच्छी बारिश हो, इसको लेकर विश्व हिंदू महासंघ के सदस्यों ने सोमवार को गोलघर स्थित काली मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ भगवान इंद्र की पूजा अर्चना की। इस दौरान महासंघ ने यज्ञ कर भगवान इंद्र को प्रसन्न करने का काम किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महासंघ के जिला प्रभारी राधा कांत वर्मा ने कहा, पूरा जून बीत गया, जुलाई बीत गया, इंद्र देवता प्रसन्न नहीं हुए। पशु पक्षी पानी के लिए तरस रहे हैं, जनता पानी के लिए तरस रही है, गर्मी भीषण है। प्राचीन काल से यह मान्यता है कि जब धरती पर पानी का अकाल पड़ा है, तब तब भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए हवन यज्ञ और सुंदरकांड का आयोजन किया जाता रहा है। इसी कड़ी में देवताओं के अधिवक्ता, देवताओं के राजा भगवान इंद्र और उनकी पत्नी श्री इंद्राणी देवी को प्रसन्न करने के लिए हम यहाँ पर हवन यज्ञ और सुंदरकांड का पाठ का आयोजन कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और सारी जनता की भलाई के लिए, सुख शांति के लिए, कि इंद्र देवता प्रसन्न हो, पानी की बरसात हो, किसान पशु पक्षी मानव सब खुशहाल हो, इसीलिए हवन यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है।